सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार, मैं माया, 7i न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। डबरा के अग्रसेन चौराहे पर कांग्रेस पार्टी और हिंदू जागरण मंच ने कैंडल मार्च निकालकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और एक मिनट का मौन धारण किया। इस दौरान अग्रसेन चौराहे पर भारी संख्या में पत्रकार नागरिक मौजूद थे, जिन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हमारे भारत के 20 जवानों पर जो पाकिस्तान द्वारा जो हमला किया गया है, उसके विरोध में हमने आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको दी है। कल जो पाकिस्तान द्वारा एक धोखा देके जो हमारे सैनिकों पर हमला हुआ है, उसकी भारतीय जनता पार्टी और देशवासी इसकी निंदा करते हैं। वो जितनी निंदा की जाए उसकी इतनी निंदा कम है, क्योंकि ये कोई लड़ाई नहीं है। अगर लड़ाई लड़नी है तो आमने सामने की लड़ाई लड़ो। हम लोग आम नागरिक भी तैयार है लड़ने के लिए। राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों का निरीक्षण किया और समुचित व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कलेक्टर के साथ पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे, अपर कलेक्टर भव्य मित्तल भी मौजूद थी। आशा यही है कि मार्च के फर्स्ट वीक के अराउंड कभी भी आचार संहिता लग सकती है और इसके लिए जो चुनाव संबंधी तैयारियां हैं वो पहले से भी जारी थी, अभी वापस और इंटेंसिफाई हो गई हैं। अभी राजगढ़ जिले में FLC का जो कार्य होता है, फर्स्ट लेवल चेकिंग ऑफ ईवीएम मशीन, वो चल रहा है। इसमें 1000+ CU और BU हमारे द्वारा ऑलरेडी FLC चेक कर ली गई है और फेलियर रेट हमारा अभी तक सिर्फ एक मशीन का है, विच इज़ वेरी गुड। तो और लगभग अगले 5 दिनों में FLC की पूरी प्रक्रिया समाप्त कर दी। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को नरसिंहगढ़ में नगरवासियों ने श्रद्धांजलि दी और कैंडल मार्च भी निकाला। कैंडल मार्च नगर के छत्री चौराहे से शुरू हुआ, जो कि जय स्तंभ तक पहुंचा, जहां लोगों ने कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन धारण किया और वहीं श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सर्वदलीय संगठन करनी सेना सहित व्यापार महासंघ सहित आम नागरिक मौजूद थे। वो उनके ऊपर हमला नहीं है, पूरे भारत देश पर हमला है। उसके पूरे भारत देश का एक एक व्यक्ति जाति धर्म पंथ से ऊपर उठकर एक ही संकल्प है कि हमारे सेना के जवानों को जिस प्रकार से कायरतापूर्वक हमला करके नहीं उनकी निर्मम हत्या की है, उसी प्रकार से भारत का एक नागरिक बदला चाहता है। और जब तक वो बदला नहीं होगा जब तक हम देशवासी चैन से नहीं बैठेंगे। केसरी के डुहुली गांव में अचानक आकाशीय बिजली की चपेट में 2 युवक आ गए, जिनमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी लगते ही कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव ने मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है और घायल के इलाज में कोई कमी नहीं आए, इसके लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। तलेन में भी नागरिकों ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन धारण किया। वहीं नगरवासियों ने एक लेरा चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला फूंका और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। दमोह में नागरिकों ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और कैंडल मार्च निकालकर मौन धारण किया। इस दौरान कांग्रेस नेता डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। ये वर्तमान में जो शासन है उसकी लापरवाही, उनको पहले से सूचना लेना चाहिए कहाँ क्या होने वाला है। ये लापरवाही के वजह से ये सारी इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके लिए हम उनका विरोध भी जताते हैं और सब जनता जनार्दन से, सब लोगों से, सभी दल के लोगों से ये आग्रह करते हैं कि सब मिल करके भारत की रक्षा के लिए, जवानों के लिए और प्राण पर से जितना भी बन सके उनके लिए हम एकत्र होकर के अपनी इन सब भावनाओं को वहाँ प्रधानमंत्री तक पहुँचाएं। पलेरा में नगरवासियों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और कैंडल मार्च निकालकर 2 मिनट का मौन धारण किया, शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। भारत के लिए एक बहुत भयंकर त्रासदी हुई है, जैसे हमारा देश के 44 वीर जवान एक कायरन आतंकवादी हमले में शहीद हो गए हैं। हम सब लोग
उन सब सैनिकों की सम्मान में एवं उनके परिवार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे विषम घड़ी में उनका साहस बढ़ाए। हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि स्वरूप दो मिनट का मौन धारण करेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।